एक्टर शाहरुख खान को लास्ट फिल्म जीरो में देखा गया था जो 2 साल पहले आई थी। शाहरुख अपना अगला प्रोजेक्ट चूज करने में काफी वक्त लगा रहे हैं। इसकी वजह उनकी पिछली कुछ फिल्मों का फ्लॉप होना हो सकती है। हो सकता है कि शाहरुख अब जल्दबाजी में कोई ऐसा प्रोजेक्ट ना लेना चाहते हो जो उनकी फ्लॉप फिल्म्स की लिस्ट में जुड़ जाए। वो कहते हैं ना, दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक कर पीता है। इसी चक्कर में शाहरुख ने कई प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट कर दिए हैं और कई फिल्मों के ऑफर्स होल्ड पर रखे हैं। अब इस सब की वजह से शाहरुख के हाथों से कुछ बड़ी फिल्में छूट रही हैं और शाहरुख की इस देरी का फायदा हो रहा है दूसरे एक्टर्स को। ऐसी ही एक बड़ी मूवी शाहरुख के हाथों से निकलकर सलमान की झोली में पहुंच चुकी है। हम बात कर रहे हैं फिल्म सारे जहां से अच्छा की, जो राकेश शर्मा की बायोपिक पर बेस्ड होगी। इस फिल्म को सिद्धार्थ रॉय कपूर और रॉनी स्क्रूवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि एक बिग बजट फिल्म होते हुए भी इस फिल्म से पहले शाहरुख और आमिर पीछे हटे और अब विकी कौशल भी। इसका सीधा सीधा फायदा हुआ है सलमान खान को। अब प्रोड्यूसर्स फिल्म को लेकर सलमान से बातचीत कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि इस बिग बजट फिल्म की जिम्मेदारी सलमान जैसा कोई बड़ा स्टार ही उठा सकता है। सलमान को फिल्म का बेसिक कॉन्सेप्ट तो पसंद आया है, पर अभी इसकी कहानी सुनकर हाँ करना बाकी है। देखना ये होगा कि फाइनली अब सलमान इस फिल्म को करने को तैयार होते हैं या बाकी एक्टर्स की तरह वो भी इससे पीछे हट जाते हैं। Now buy Shake Chili's official merchandise only on the Sold store. Coffee mugs, cool and funky t-shirts. Use code TSSLOTPOT15 to get flat 15% off on Shake Chili merchandises. Hurry up!